हाँ जी मीत भाई, क्या हाल है? बढ़िया सन भाई, आप बताइए क्या हाल चाल है। शुक्र अल्लाह का। यार यार वो कह रहे थे एक बड़ा अच्छा टूल आया है एडीबी और ईडीएल के लिए। कौन सा टूल है? यही खोला हुआ है अनलॉकर टू इसका जी तो? यही है। वाह जी वाह, इसमें तो पहले भी इसका वर्जन 1 आया था वो, लेकिन पुराने सेटअप को सपोर्ट करता था। अब ये कुछ मेरे ख्याल है कुछ नए ऑप्शन दिए हैं। एक तो ऑप्शन देख लें कौन से हैं, मैं बताता हूँ। 1, MI अकाउंट रिमूव। 2, MI पिन पास अनलॉक ADB मोड में, लेकिन ये रिमूव FRP फास्ट बूट, पिन लॉक ADB, पिन पास अनलॉक फास्ट बूट मोड, ओम अनलॉक। दोस्तों अक्सर मोबाइल में ना ओम अनलॉक की ऑप्शन होती है, जब वो तक ओम अनलॉक ना हो तो मोबाइल क्या कहते हैं रीसेट प्रॉपरली नहीं होता। ऐसी है ना मीत भाई? जी OMI जब ऑन हो जाए तो फिर FRP वगैरह नहीं लगती है आसानी हाँ दोस्तों ये बड़ी, से, फिर हाँ भी मीत कर भाई आप सकते बताएं हैं पहले तो एक दफा। FRP भी चले जी मैं, होगा, बस OMI यही है जी, दोस्तों मैं आपको आजकल जरा डिटेल क्योंकि। में बता देता हूँ कि जब भी कोई आपके पास मोबाइल आता है उसमें FRP लगी हो या कोई भी सिक्योरिटी लगी हो, लेकिन उसकी ओम ऑप्शन अगर अनेबल हो तो आप उसे 10 बार भी रीसेट करेंगे, उसकी FRP की ऑप्शन जो है वो एक्टिव रहेगी। इसके लिए आपको अपना ओम ऑप्शन इनेबल करना होगा और फिर अपने मोबाइल को रीसेट करना होगा। उसके अंदर जितने भी अकाउंट लगे होंगे, सैमसंग अकाउंट, जीमेल अकाउंट, MI अकाउंट, पी अकाउंट, सी अकाउंट, जी अकाउंट, जितने भी दुनिया के अकाउंट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे और खाली हो जाएंगे। तो ये ओम ऑप्शन जो है बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये EDL में भी यूज़ हो जाएगी और आपकी ADB में यूज़ हो जाएगी। उसके बाद ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी FRP क्लीन हो गए दोबारा इसे रीलॉक कर दें तो ये आप यहाँ से रीलॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये MI के मोबाइल पे अक्सर पासवर्ड लगा होता है, लेकिन आपके पास वो सिर्फ फास्ट मोड की ऑप्शन होती है। तो फास्ट मोड में जाके आप उसका ये जो पासवर्ड है ये ख़त्म कर सकते हैं, पिन लॉक भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड पिन पासवर्ड, एंड्रॉयड के अक्सर चाइना के जो मोबाइल होते हैं ना वो उन पर एक बड़ी खासियत होती है कि जैसे ही आप केबल लगाते हैं उसके अंदर ना ADB इनेबल हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई चाइनीज़ मोबाइल आता है या चाइनीज़ वर्जन वाला मोबाइल आता है, आपको समझ नहीं लग रही, उसमें केबल लगा के ये ADB ऑप्शन पे क्लिक करके देखें, हो सकता है वो आपका पासवर्ड या पिन कोड जो भी सिक्योरिटी कोड हो क्लीन कर देता है। उसके बाद ये है एंड्रॉयड पिन एंड पासवर्ड इन फास्ट मोड मोड, यानी कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल आया है चाइना का, आपको नहीं समझ लग रही जिसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सी चिपसेट है, तो सिंपल केबल लगाएं, इस ऑप्शन को क्लिक करें और उस मोबाइल को फास्ट मोड मोड में लेके जाएं। अल्लाह के हुक्म से आपका जो पिन पासवर्ड है या जो भी है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये ADB में FRP निकालने के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास सैमसंग का हो, हवाई का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, अगर उसकी ADB इनेबल है तो सिंपल इस पर क्लिक करें और स्टार्ट का बटन दबाएं, आपकी ADB क्लीन, वो FRP क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद ये हवाई और ओप्पो और वीवो के अक्सर मोबाइल फास्ट मोड में चले जाते हैं रीबूट करने के बाद, तो उनकी क्या कहते हैं FRP रिमूव करने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल EDL मोड में नहीं जा रहा मैनुअली, मतलब आप बटन दबा के उसको EDL मोड में लेके जाना चाह रहे हैं और वो नहीं जा रहा, वो ज़िद कर रहा है, तो आप सिंपल केबल लगाएं, रीबूट टू EDL पे क्लिक करें और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, आपका मोबाइल डायरेक्ट EDL मोड में चला जाएगा। उसके बाद आपने फ्लैशिंग करनी है, MI अकाउंट रिमूव करना है या जो भी काम करना है आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद ये हवाई ओम अनलॉक, अक्सर हवाई के मोबाइलों में ओम अनलॉक अनेबल होता है जिसकी वजह से FRP भी नहीं रिमूव होती, ADB इनेबल नहीं होती और भी कई चीज़ें होती हैं। तो सिंपल आप केबल लगा के उसको ये ओम अनलॉक करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। मीत भाई कोई चीज़ रह गई है तो आप थोड़ा दोस्तों को गाइड कर दें। जी नहीं, इसमें सारा कुछ क्लियर है सही है। और दोस्त इस टूल को यूज करें और इसकी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में डालिए। तो दोस्तों लाइक कर दें वीडियो को, मैंने शुरू में कहना ही भूल गया था, तो फिर आप लोग लाइक नहीं करते तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे हमने कोई आपका टाइम ज़ाया किया है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टूल होते हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कोई ये बहुत बड़ी तोप नहीं होती, ये छोटी छोटी तोपें होती हैं जो ठ्यू ठ्यू करके चलती हैं और मज़े भी देती हैं और आप इससे चांस भी ले। अक्सर ये जो टूल्स होते हैं ना अक्सर चाइनीज़ मोबाइल के बहुत ज़बरदस्त टूल होते हैं, चाइनीज़ टैब आपके पास आ जाती है, चाइनीज़ मोबाइल आ जाते हैं उनके ऊपर, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। ख़ासतौर पर कोरियन मोबाइल होते हैं, LG के, सैमसंग के, बेशुमार क्लोन्स मोबाइल होते हैं ना उनके ऊपर ये टूल बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन जिनकी सिक्योरिटी हाई हो उन पर काम नहीं करते। फिर आप लोग कहते हैं मेरे पे नहीं काम करना, उस पर नहीं काम कर रहा, तो दोस्तों हम लोग भी थोड़ा बहुत इनको ट्राई करते हैं, जब कभी कोई कामयाबी मिलती है तो आप लोगों को बता देते हैं। मीत भाई आप बताएं ना, ऐसे ही है ना जी? जी बिल्कुल उस्मान भाई, ऐसे ही है कि ये टूल वाकई तो काम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि देखो एक बंदे ने इतनी मेहनत करके ये टूल बनाया है
तो उसने इसीलिए बनाया कि ताकि ये वर्कआउट करे, इसीलिए नहीं बनाया कि ये बना के छोड़ दे। इसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर वर्किंग होती है, लेकिन आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहें, कोई ना कोई आपको कभी ना कभी ज़रूर कामयाबी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ की मिसिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर लें, मीत भाई आपको जवाब दे देंगे। बाकी हमने बड़ी डिटेल में दोस्तों को बता दिया, इस टूल में हमारे पास तकरीबन 14 ऑप्शंस हैं और कुछ ऑप्शन इसके अंदर हिडन है, वो आपने खुद फाइंड करनी है। ये आपके लिए क्विज़ है और आप ही देखेंगे कि आप इसमें वो ऑप्शन फाइंड करते हैं नहीं, और जिस दोस्त ने वो ऑप्शन फाइंड की हो तो कमेंट बॉक्स में बताए, तो हम उसे इंशाल्लाह एक नया इनाम देंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।